हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आपकी हिंदी भाषा भारती का पार्ट दो। लास्ट वीडियो में हमारा पार्ट एक जो है वह कंप्लीट हो चुका था, तो सो आप भी वीडियो देख करके अपनी फेयर नोटबुक जो है वो कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ उनके क्वेश्चन आंसर लर्न करेंगे लिख लिख कर। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट दो, बुद्धि का फल। बुद्धि का फल, यह जो कहानी है अकबर और बीरबल की है ना। आपने अकबर और बीरबल का नाम तो सुना ही होगा, है ना। और भी स्टोरीज जो हैं अकबर और बीरबल की सुनी होगी आपने, है ना। बीरबल की खिचड़ी सभी जानते हैं ना, तो ये वही अकबर और बीरबल की ये स्टोरी, एक और स्टोरी आपकी हिंदी भाषा भारती की बुक में दी हुई है ना। इसमें क्या नाम है, इस पाठ का नाम है बुद्धि का फल। मतलब इसमें जो बीरबल है वह अपने सूझबूझ से अपने अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए उसने राजा के लिए यह समाधान जो है प्रस्तुत किया था। तो यह भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, सो आप भी इसे मेरे साथ साथ अच्छे से रीड कीजिएगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक रोज की बात है कि बादशाह अकबर के दरबार में लंका के राजा का एक दूत पहुंचा। उसने बादशाह अकबर से एक नई तरह की मांग करते हुए कहा, आलम पनाह, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान, होशियार तथा बहादुर दरबारी मौजूद हैं। हमारे महाराज ने आपके पास मुझे एक घड़ा भरकर बुद्धि लाने के लिए भेजा है। हमारे महाराज को आप पर पूरा भरोसा है कि आप उसका बंदोबस्त किसी न किसी तरह और जल्दी ही कर देंगे। यह सुनकर बादशाह अकबर चकरा गए। उन्होंने अपने मन में सोचा, क्या बेतुकी मांग की है, भला घड़े भर बुद्धि का बंदोबस्त कैसे किया जा सकता है। लगता है लंका का राजा हमारा मजाक बनाना चाहता है, कहीं वह इसमें सफल हो गया तो। इस प्रकार से जो लंका के राजा थे, है ना, लंका के जो राजा थे अकबर, है ना, उनके दरबार में, सॉरी, जो बादशाह अकबर थे तो उनके दरबार में लंका का एक दूत आया हुआ था। तो उसने बादशाह अकबर से एक बेतुकी मांग, मतलब बिना मतलब की, बिना सर पैर की मांग उन्होंने की। क्या मांग की उन्होंने, बुद्धि भर घड़ा। आपको क्या लगता है कि बुद्धि भर घड़ा होता होगा, बट स्टोरी तो है, आप सुनिएगा, है ना। तो उन्होंने कहा कि आलम पनाह, है ना, आपके दरबार में एक से बढ़कर एक बुद्धिमान होशियार दरबारी मौजूद हैं, है ना। तो महाराज ने, हमारे महाराज ने आपके मुझे आपके दरबार में इसलिए भेजा है ताकि मैं एक घड़ा भर के बुद्धि ला सकूं, है ना, और उन्हें पूरा भरोसा है कि आप इसका बंदोबस्त जल्द से जल्द कर देंगे। तो जो बादशाह अकबर रहते हैं तो वह इस प्रकार की बिना सर पैर की मांग को सुनकर जो है उनका दिमाग जो है चकरा जाता है, है ना। तो वो अपने मन ही में सोचते हैं कि ये कैसी बेतुकी मांग इन्होंने की है, क्या लंका के राजा हमारा मजाक बनाना चाहते हैं। उसके पश्चात क्या होता है, उसके बाद जो होता है कि बादशाह अकबर जो है उन्हें बीरबल का ध्यान आता है, क्योंकि बीरबल जो है वह बहुत ही दिमागदार था, है ना, चतुर चलाकी सभी में वह बहुत ही ज्यादा होशियार था। तो अकबर को जो है, राजा अकबर को जो है, उसे उन्हें सबसे पहले बीरबल का ध्यान आता है। तभी बादशाह को बीरबल का ध्यान आया। वे सोचने लगे कि शायद यह कार्य बीरबल के वश का ना हो, मगर फिर भी उसे बात बताने में बुराई क्या है, है ना। जब बीरबल को बादशाह के बुलवाने का कारण ज्ञात हुआ तो वह मुस्कुराते हुए कहने लगे, आलम पना, चिंता की कोई बात नहीं, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है ना। बीरबल जो है वो चतुराई में तो आगे थे। उन्होंने कहा कि आलम पना महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, है ना, बुद्धि की व्यवस्था हो जाएगी। मतलब वे बुद्धि की व्यवस्था करने के लिए तैयार हो जाता है बीरबल, है ना। उन्होंने कहा फिर, परंतु इसमें मुझे समय लगेगा, कुछ हफ्ते का वक्त लग सकता है। इस कार्य को करने के लिए बीरबल ने अपने लिए समय मांगा। उसके बाद बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर भी कहते भी क्या, बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया, है ना। क्योंकि अकबर, राजा अकबर जो थे उनके बस का तो यह कार्य नहीं था कि वो उनके लिए इस बुद्धि का इंतजाम कर दें। इसलिए बादशाह अकबर के पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने बीरबल को मुंह मांगा समय दे दिया कि ठीक है, तुम्हें हफ्ते भर का समय चाहिए, है ना। तो बीरबल ने उसी दिन शाम को बुद्धि की व्यवस्था करने के लिए उसी दिन शाम को अपने एक खास नौकर को आदेश दिया कि छोटे मुंह वाले कुछ मिट्टी के घड़ों की व्यवस्था करो, है ना। मिट्टी के जो छोटे छोटे घड़े आते हैं उसकी व्यवस्था करने के लिए बीरबल ने कहा। तो नौकर जो था वह फौरन बीरबल की आज्ञा का पालन किया।
इस प्रकार से इसके आगे की जो स्टोरी है आप इसे रीड करेंगे, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे एक्सप्लेन करूंगी। तब तक के लिए आप इस पार्ट को पूरा रीड करके रखेंगे। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बार आप भी इसे रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।